नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राजस्थान सूचना सहायक भर्ती इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट भर्ती 2018 से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और कई विद्यार्थियों ने हमसे सवाल पूछा था कि यह वैकेंसी कब तक आने वाली है और कितने पदों के लिए आने वाली है और कब तक इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इन सब सवालों को देखते हुए हमने अधीनस्थ बोर्ड में एक RTI लगाई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लगाई थी, जिसमें RTI का रिप्लाई हमें मिल चुका है और उसी को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। और हमने अधीनस्थ बोर्ड से यही सवाल पूछा था कि सूचना सहायक भर्ती कब तक आने की संभावना है और कितने पदों पर आने की संभावना है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने रिप्लाई भी दिया है और वो सभी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो ये आप देख सकते हैं, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर, और इसमें हमने RTI लगाई थी। और ये डेट आप देख सकते हैं, मतलब 24 नवंबर को ये जो लेटर है ये अधीनस्थ बोर्ड से निकल चुका था और लगभग 15 दिन के बाद मुझे ये डाक से मुझे मिला। और ये आप देख सकते हैं, ये आलोक माहेश्वरी, ये मेरे मित्र हैं जिनका अभी कुछ ही दिनों पहले ग्राम सेवक में इनका चयन हुआ है। और हम जो सूचना हमारे द्वारा जो मांगी गई थी अधीनस्थ बोर्ड से, तो ये आप देख सकते हैं सूचना सहायक भर्ती की कब तक आने की संभावना है और सूचना सहायक भर्ती कुल कितने पदों पर होगी। क्योंकि कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स बॉक्स में इससे संबंधित कई सवाल हमसे पूछे थे कि ये विज्ञप्ति कब तक आने के चांसेस हैं, और इसी रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने ये RTI लगाई थी। लेकिन हाँ, इस RTI में जो अधीनस्थ बोर्ड का जो उत्तर रहा वो आप देख सकते हैं। हमने जो सवाल पूछे थे ये आप देख सकते हैं, सूचना सहायक भर्ती कब तक आने की संभावना है और कुल कितने पदों पर होगी। और इसमें अधीनस्थ बोर्ड ने ये रिप्लाई दिया है, बिंदु संख्या 1 से 5 तक आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं संभावनाओं पर आधारित हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा में परिभाषित शब्द सूचना के अंतर्गत नहीं आता है। आप द्वारा किस अभिलेख दस्तावेज ज्ञापन आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गई है स्पष्ट नहीं है, अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। तो ये आप ये लेटर मुझे वापस से अधीनस्थ बोर्ड से ये मिला था, और यहाँ पर उस समय सुनील पूनिया लोक सूचना अधिकारी थे। और सूचना सहायक भर्ती से जुड़े हुए वीडियो हमने कल या परसों भी अपलोड किए थे, जिसमें जल्द सूचना सहायक के 1302 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। हमने ये वीडियो आपने देखा होगा, अभी हमने कल या परसों इससे संबंधित वीडियो भी हमने अपलोड किया था। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखकर भी आप इससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, हमने कल 2 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था, उसमें सूचना सहायक और कर सहायक से संबंधित जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जी राजस्थान न्यूज़ ने इससे संबंधित ट्वीट किए थे, तो उससे संबंधित भी हमने आपको जानकारी दी थी। और ये RTI जो हमारे द्वारा जो लगाई गई है तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित अधीनस्थ बोर्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और उसका जो कारण अधीनस्थ बोर्ड ने बताया है वो ये आप देख सकते हैं कि आप जो सूचना हमसे मांगी गई है वो संभावनाओं पर आधारित है, और RTI में इसका जवाब देना मतलब इन्होंने उचित नहीं समझा, संभव नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।